तो जनाब हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग के मल्टीपल स्टेप्स देख लिए हैं अब हम उन स्टेप्स को लिखते हैं और चेक करते हैं कि कौन कौन सा हमने प्री प्रोसेसिंग का स्टेप जो अभी तक फिनिश कर लिया विच इज़ वेरी नेसेसरी बिफोर गोइंग इन टू द मशीन लर्निंग टास्क मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं यहां पर अगर चेक करें तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट था डेटा प्री प्रोसेसिंग का डेटा क्लीनिंग हमने डेटा क्लीनिंग जो है वो फिनिश कर लिया डेटा क्लीन करना ठीक है जिसके अंदर काफी पॉइंट्स थे कि आप मिसिंग वैल्यूज को देखते हैं और बाकी तीसरी चौथी चीज़ों को देखते हैं मैं उसको बार बार लिखता हूँ लेकिन दोबारा लिखता हूँ लेकिन पहले हम देखते हैं कि डेटा क्लीनिंग कैसे की हमने फिर डेटा इंटीग्रेशन कैसे की डेटा इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट था इसको भी हमने कर लिया देन हमने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना सीखा एक तरीके से दूसरे तरीके के अंदर जिसके अंदर हमने नॉर्मलाइजेशन सीखी डेटा को स्केल करना सीखा और डेटा को नॉर्मला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लाना सीखा फिर डेटा की जो हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो रिडक्शंस थी वो हमारी रह गई हैं अभी इस वक्त कि डेटा रिड्यूस करना या डेटा को हम किस तरीके से डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के थ्रू लेके आ सकते हैं इसके अलावा हमने डेटा डिस्क्रिटाइजेशन भी सीख ली और इसके अंदर जो फीचर इनकोडिंग था वो भी सीख लिया यानी कि अगर मैं आपने पिछले लेक्चर जो मैंने आपको डिलीवर किया था पाइथन के ऊपर तो उस सॉरी डेटा के ऊपर अगर यहाँ पे देखें तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमने मिसिंग वैल्यूज स्मूथिंग नॉइजी डेटा आउटलायर्स और इनकसिस्टेंसीज को देखा डेटा डुप्लीकेट्स को देखा डेटा इंटीग्रेशन को देखा डेटा डुप्लीकेट्स रिमूव मर्जिंग डेटा कंसोलिडेशन देख लिया फिर डेटा स्केलिंग हमने देखी नॉर्मलाइजेशन एग्रीगेशन भी वही चीज़ थी और जनरलाइजेशन भी सेम उसी के अंदर आ जाती है जब हम डेटा को मर्ज करते हैं या डेटा को हम स्मूथ करते हैं जब हमने स्केल एंड नॉर्मलाइज़ किया ठीक है अब हमने हायर लेवल कॉन्सेप्ट के अंदर जब लेके गए तो डेटा डिस्क्रीटाइजेशन की तरफ गए हम जिसमें हमने डिफरेंट किस्म की बिनिंग्स कर ली फिर हमने नोमिकल को कैटेगोरिकल के अंदर किया तो उसको भी हमने डेटा के अंदर देख लिया यहां पे एक स्टेप था डेटा इनकोडिंग वो भी हमने कर ली डेटा इनकोडिंग अब हमारे पास बचता है डेटा रिडक्शन यानी कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या होती है और कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिनकी बेस पे आप डेटा की डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है जैसे मैंने न्यूमरासटी के थ्रू इनकोडिंग यूज की विच कैन कम ओवर हियर एज वेल हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बचता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का विच वी विल सी वेन वी विल डू दिस अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्यों क्योंकि हमें बेसिक्स सीखना बहुत जरूरी है फिर हम जाएंगे डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की तरफ न्यूरोस्टी रिडक्शन इनकोडिंग को ही बोलते हैं और डेटा कंप्रेशन भी हम इनकोडिंग को ही बोलते हैं क्योंकि हम डेटा को जब कंप्रेस करते हैं फ्राम बिगर डेटा टू द स्मालर डेटा बाई यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इनकोडिंग टेक्निक्स तो हमने ये और रेडी कर लिया तो हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग का सिर्फ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का टास्क विच इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन वो रह गया इनशाला उसको तब करेंगे जब हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की तरफ चलेंगे विद इन वन वीक और सो ठीक है जी यहाँ तक हमारी प्री प्रोसेसिंग जो है डेटा की वो खत्म हुई है अब हम चलते हैं अपने मशीन लर्निंग के पहले एलग्रिय हमको देखते हैं लीनर रिग्रेशन क्या होता है आने वाले लेक्चर के अंदर